जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ड्राइवर पद की। जो दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती होती है उसमें ड्राइवर पदों की वैकेंसी है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा, कितने पद हैं, कितनी सैलरी रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कब कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत कितनी वैकेंसी पुरुषों के लिए हैं और कितनी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, वह जानकारी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वैकेंसी का लाभ मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है। इस चैनल पर जो भी वीडियो आती है वो नोटिफिकेशन के आधार पर ही मिलेगी आपको। फर्जी नोटिफिकेशन पर कोई वीडियो नहीं मिलेगी, चाहे 2-3 दिन इंतजार क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 8 जुलाई 2022 से शुरू हुआ है और 29 जुलाई 2022 तक भर्ती रहेगी। लास्ट डेट 29 जुलाई 2022 तक है। इसके लिए चालान की ऑफलाइन भरने के लिए भी 29 जुलाई 2022 तक है और ऑनलाइन के लिए 30 जुलाई 2022 तक पेमेंट करने की डेट निर्धारित की गई है। साथ ही दोस्तों, इसके जो एग्ज़ाम होने हैं वो अक्टूबर में संभावित हैं। इसका केवल जो पद है ये ड्राइवर कांस्टेबल के लिए है, जो कि सिर्फ मेल के लिए है। फीमेल के लिए इसमें वैकेंसी नहीं दी गई हैं। इसके अंतर्गत ये वैकेंसी SSC के माध्यम से हो रही है। जो भी व्यक्ति इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी इस प्रकार से हैं, टोटल जो वैकेंसी हैं 1411 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी 1411 हैं, जिनमें से 543 वैकेंसी जनरल के लिए हैं और 128 EWS के लिए और 318 OBC और SC के लिए 236, ST के लिए 45। टोटल 1270 पद हैं और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इस बार बम्पर भर्ती है। जैसा कि आप देख सकते हो, 61 वैकेंसी जनरल के भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 14 वैकेंसी EWS के भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 35 वैकेंसी OBC के भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 26 वैकेंसी SC के भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 5 वैकेंसी ST के भूतपूर्व सैनिकों के लिए। टोटल 141 वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसके लिए ये आप देख सकते हो, नेशनल भारत का रहने वाला होना चाहिए, साथ ही 21 से 30 साल उम्र दी गई है। इसकी जो डेट रहेगी वो 1 जुलाई 2022 की तिथि के अनुसार मान्य होगी। साथ ही इसके अंतर्गत SC और ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जितनी उन्होंने सर्विस की है वो घटाने के बाद जो एज बचती है उसमें 3 साल की छूट दी जाती है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। साथ ही इसके अंतर्गत स्पोर्ट पर्सन जो डिस्टिंक्शन है उनको 10 साल की छूट दी जाती है। साथ ही डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनको 40 साल तक और अगर वो OBC के हैं तो 43 ईयर्स तक और ST के अंदर 45 ईयर्स तक छूट दी जाती है। इसके अलावा आप इसमें जो फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। प्रोसेस पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसके अंदर 10+2 होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के माध्यम से हो जाना चाहिए। साथ ही ड्राइविंग हैवी लाइसेंस होना चाहिए विद कॉन्फिडेंस के साथ में, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस। साथ ही प्रोसेस एक्विपमेंट मेंटेनेंस व्हीकल का आना चाहिए आपको। जो भी कैंडिडेट ये सुधा रखते हैं, जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनके पास हैवी लाइसेंस हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो सर्टिफिकेट है जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है उनमें 5% छूट दी जाती है। जिसके पास NCP सर्टिफिकेट है उनको 3% और NCCA सर्टिफिकेट वाले को 2% की छूट दी जाती है। इसके लिए जो विंटेज दी जाती है मार्क के अकॉर्डिंग, जो क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन है
डिस्टेंस है जो 5% है, जो फर्स्ट डिवीज़न है जिसकी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर डिस्टेंस है उनको 5%, फर्स्ट क्लास वाले को 4%, सेकेंड क्लास वाले को 3% और जिसने पास किया उनको 2% का विंटेज एक्स्ट्रा दी जाती है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, SSC.NIC.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए और SC ST के लिए फीस को एग्जेम्प्टेड किया गया है। फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के लिए आप भीम UPI नेट बैंकिंग सब कुछ यूज कर सकते हैं। साथ ही विंडोज जो एप्लीकेशन है वो 2 अगस्त 2022 से अप्लाई होंगी, लेकिन इन पदों के लिए केवल मेल ही अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेनर पद के लिए ये लोकेशन दिए गए हैं जहाँ जहाँ पर आपको एग्जाम देना है, इनमें से अपनी पसंद का कोई भी स्थान चूज कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। ये रीजनल के हिसाब से लोकेशन दिए हुए हैं, सेंटर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। दोस्तों ये आप देखते हो करीब लगभग 9 रीजन रखे हैं, इन रीजनों के हिसाब से ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वहाँ पर आपका एग्जाम होगा और एग्जाम होना है SCVT का इस प्रकार से होगा, जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क और पार्ट डी में रहेगा रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल व्हीकल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, CNG ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन। ये रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क। दोस्तों इसके लिए एज दी गई है इस प्रकार है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है इस प्रकार से होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड इंटर टेस्ट इंक्लूडिंग एक्सर्समेंट एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट एज वाइज इस प्रकार से रहेगा, जिनकी उम्र 30 साल हो चुकी है 30 साल तक उनको 7 मिनट के अंदर 16 मिनट की रेस करनी है और लॉन्ग जंप रहेगी उनकी 12.5 फीट, हाई जंप रहेगी 3.5 फुट। जिनकी उम्र 30 साल से 40 साल के मध्य है उनको 8 मिनट का समय दिया जाएगा और जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको 9 मिनट का समय दिया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट जो रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए वो उनका हाइट रहेगा 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की जो फैलाव होगा। साथ ही इसी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो एग्जाम हो रहा है उसमें ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग फॉरवर्ड के 20 मार्क, ड्राइविंग रिवर्स के 20 मार्क, पार्किंग के 10 मार्क दिए जाएंगे। ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल का 20 मार्क, ड्राइविंग रिवर्स का 20 मार्क और पार्किंग का 10 मार्क दिए जाएंगे। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल रोड साइंस इनके 25 मार्क दिए जाएंगे, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल इसके 25 मार्क दिए जाएंगे। ये इसके लिए आपकी आय जो है 6% होनी चाहिए। आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधित जानकारी। अगर इसी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी यहाँ से आपको मिलती है जो कि प्रॉपर नोटिफिकेशन के आधार पर मिलती हैं, ऐसी वैकेंसी को अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।